Hello students, welcome to class 1 subject computer. Let us start with our practical, what we have to do. So today our practical is of WordPad, and in that we are going to type clothes which we wear in winter season. आज हमने WordPad में practical करना है और उसमें क्या type करना है कि जो clothes हम winters में wear करते हैं. So how to do that? प्रैक्टिकली हम इसको कैसे परफॉर्म करेंगे. सबसे पहले वी विल ओपन WordPad, देन वी विल स्टार्ट टाइपिंग वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड. एंड विच कीज़ वी आर गोइंग टू यूज़? कैप्स लॉक, एंटर, स्पेस बार, नंबर कीज़, अल्फ़ाबेट कीज़ एंड स्पेस बार, वेयर एवर नेसेसरी. देन वी विल यूज़ बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ऑप्शंस ऑल्सो. एंड देन वी आर गोइंग टू सेव अवर फाइल इन WordPad, एंड देन वी हैव टू क्लोज WordPad. सो सबसे पहले हमने WordPad ओपन करना है. स्टार्ट ऑल प्रोग्राम असेसरीज WordPad. देन हमने स्टार्ट कर देनी है टाइपिंग वर्ड्स की, जो जो हमने क्लोथ्स विंटर में डालते हैं हम लोग. देन हम किन कीज़ की यूज़ हेल्प से करेंगे? कैप्स लॉक की, एंटर, स्पेस बार, नंबर, अल्फ़ाबेट कीज़ एंड बैक स्पेस, इनकी हेल्प से हम टाइपिंग करेंगे. एंड देन वी विल यूज़ बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन ऑप्शंस टू मेक अवर टेक्स्ट मोर अट्रैक्टिव, कि हमारा जो हमने टाइप किया है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे, इसलिए हम ये ऑप्शंस यूज़ करते हैं. इसके बाद हमने जब टाइपिंग कर ली, अपना नेम भी राइट डाउन कर लिया क्लास सेक्शन के बाद, हमने अपनी फाइल को सेव करना है अपने नेम से, और देन एट लास्ट वी विल क्लोज WordPad. So these are the pictures of the keys used for typing. Again, let us revise. Caps lock key, enter key, backspace key and space bar key. So you already know these keys and their functions also. So try to remember where these keys are present on the keyboard. Ki kahan pe ye keys hain keyboard ke upar. Aapko inki location ka pata hona chahiye. So what we are going to do today practically, we are going to type the clothes we wear in winter season. So see here, I have inserted some pictures here. This is first one is the picture of a coat, jacket, muffler, shawl, sweater, woolen cap, gloves, woolen socks. So ye sari cheeze hum kya hain winter season mein wear karte hain, aur inko hum type karenge aaj WordPad software mein. So let us start with the practical. So click on start, programs, accessories, and then click on WordPad. So the WordPad window has appeared on the screen. Now select the font size a bit bigger in size and write down the heading clothes from the keyboard with the alphabetic keys. Alphabet keys ke saath aapne heading likhna hai, clothes we wear in winter season. So keep on writing, it will automatically come to the next line. So now put numbering from the keyboard, from the number keys, give space and write down. First one is sweater, enter, number 2, space, click one time space bar and then write down the next coat. So sweaters or coat hum winter mein dalte hain. Then write down third one, woolen cap. कैप भी पहनते हैं हम लोग. एंटर, पुट 4 नंबर, गिव 1 स्पेस, देन राइट डाउन मफलर. एंटर, 5th स्पेस, 1 स्पेस, देन राइट डाउन जैकेट. सो बैक स्पेस की आई हैव यूज बिकॉज आई बाय मिस्टेक आई हैव पुट आर, तो बैक स्पेस से मैंने उसको इरेज कर दिया. देन अगेन एंटर एंड पुट आई हैव पुट नंबर 6 शॉल. एंटर, 7 नंबर, 1 टाइम स्पेस, राइट डाउन ग्लव्स. सो जब बहुत ठंड हो जाती है तो हम ग्लव्स वियर करते हैं. सो नेक्स्ट इज 8th वूलन सॉक्स, तो सॉक्स पहनते हैं हम लोग विंटर्स में. प्रेस एंटर की, राइट डाउन 9th स्कार्फ. नाउ प्रेस एंटर की 2-3 टाइम्स एंड राइट योर नेम. आपने अपना नेम लिखना है, एंटर करके अपनी क्लास और सेक्शन राइट डाउन.
सो नाउ वी हैव टू डू फॉर्मेटिंग. फॉर्मेटिंग होती है कि हमने हेडिंग्स वगैरह को अंडरलाइन करना है, बोल्ड करना है. सो आप फॉन्ट साइज इसका चेंज कर सकते हैं. बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन मैंने कर दिया. अब मैंने 1 से लेकर 9 तक जो है वो सेलेक्ट किया और उसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा कर दिया. देन आई हैव सेलेक्टेड द नेम, तो उसका भी फॉन्ट साइज मैंने डिक्रीज कर दिया, उसको बोल्ड कर दिया. सो नाउ सी, क्लोथ्स वी वेयर इन विंटर सीजन इज इन फ्रंट ऑफ यू. सो नाउ क्लिक द सेव ऑप्शन. सेव डायलॉग बॉक्स आ गया आपके सामने. अब आपने जिस भी ड्राइव में इसको सेव करना है अपनी फाइल को, जैसे मैंने ई ड्राइव में किया है, तो इन द फाइल नेम बॉक्स मैंने ई ड्राइव को क्लिक करके फाइल नेम बॉक्स आ गया मेरा. मैंने अपनी फाइल को नेम दिया और सेव पे क्लिक कर दिया. सो नाउ माई फाइल इज़ सेव्ड. सो इसके बाद मैंने लास्ट में क्या करना है, आई विल क्लिक ऑन द क्रॉस बटन टू क्लोज वर्ड पैड. क्लियर. थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो. स्टे होम, स्टे सेफ.